हमारे सामने खड़ी है बेनेली की TRK 502X और ये इसका नया कलर वेरिएंट यानी कि व्हाइट कलर एडिशन में आज हमारे सामने खड़ी है। तो इसके फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस वगैरह सारी ही चीज़ें आइए जान लेते हैं। तो जब आप इसका फ्रंट का लुक देखेंगे तो देखो अच्छी खासी आपको हैवी और बल्कि लुक में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 235 केजी गाड़ी का कर्ब वेट होने वाला है। चार कलर वेरिएंट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ब्लैक, वाइट, ग्रीन और येलो कलर एडिशन। तो आज हमारे सामने व्हाइट कलर एडिशन खड़ा है, तो इसके एक एक करके सारे ही फीचर्स आपको दिखा देते हैं। साइड का प्रोफाइल आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होने वाला है। 840 mm गाड़ी की सीट की हाइट होने वाली है, यानी कि ऊँची होने वाली है। अगर आपकी हाइट 5.8 से ऊपर है तभी आप इसे अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे। यहाँ पर देखो क्या क्या मिलता है, तो चाबी देखिए, कुछ प्लेन सी चाबी आपको देखने के लिए मिल जाएगी इसमें। जब आप इसको इंसर्ट करेंगे चाबी को, तो यहां पर देखो चाबी इंसर्ट करने के बाद यहां पर इसकी जो लाइट्स वगैरह हैं वो यहां पर ऑन हो जाएंगी। फिर DRLs की बात कर लें या फिर हैजर्ड लाइट की बात कर लें। फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके से होने वाला है, मोस्टर लुक में आने वाली है और साथ में जो वाइजर है वो भी अच्छा खासा बड़ा वाइजर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ में यहां पर लगे हैं इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक में सस्पेंशन, जिनकी क्वालिटी ऑफ रोड में काफी बढ़िया होती है और ट्रेवल ज़्यादा होता है इनका, इसीलिए ऑफ रोडिंग में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं ये इन्वर्टेड सस्पेंशन जो इसके लगे हैं। साथ में फ्रंट के टायर की बात कर लें तो 120, 70 और 19 इंची का फ्रंट में टायर होने वाला है। 320 mm की डिस्क प्लेट होने वाली है जो ड्यूल साइड होने वाली है, यानी कि टायर के दोनों ही तरफ यहाँ पर आपको डिस्क की प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑफकोर्स कंट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। साथ में यहाँ पर बेनेली के ही ब्रेक का यूज़ किया है और बड़ा रेडिएटर है यानी कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ आती है। पावरफुल इंजन होने वाला है जिसमें आपको 46 bhp की पावर, 46 nm का टॉर्क, 6 ट्रांसमिशन होने वाला है। एक पावरफुल इंजन है जिसमें आपको ड्यूल सिलेंडर 4 ब्लेड वाला इंजन है ये, और साथ में यहाँ पर 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है। तो गाड़ी जो है सड़कों से ऊंची होने वाली है। इंजन का काउल लगा है एक्सेसरीज के तौर पर। साथ में जो फ्रेमिंग है गाड़ी की वो मजबूत है, यहाँ पर लगेज रखने के लिए, आपको बैग वगैरह रखने के लिए भी सपोर्ट्स दिए हैं। साथ में बड़ा स्पॉकेट है। पीछे का टायर 150, 70 और 17 इंची का पीछे का टायर होने वाला है, यानी कि चौड़ा और रेडियल टायर है यहाँ पर। और ये जो टायर है ट्यूब वाला टायर होने वाला है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं मडगार्ड फ्लैप है। रियर में आपको LED में लाइट्स देखने के लिए मिल जाएगी। LED में ही टर्न ऑन इंडिकेटर्स होने वाले। एक ऑफ रोडिंग बाइक के लिए इसको डिज़ाइन किया, इसलिए जो इसका एग्जॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर करने की कोशिश की है कंपनी के द्वारा। साथ में पीछे में आप देखेंगे तो 300 mm की डिस्क की प्लेट होने वाली है। ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है। मोनोसॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे। सीट कंफर्टेबल होने वाली है। फिर चाहे फ्रंट की बात कर लें या फिर पिलियन की सीट की बात कर लें, जो कुशनिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। साथ में ग्रैब रेल अटैच्ड इसी में होने वाली है। और टैंक की बात करें तो 20 लीटर की टंकी इसमें देखने के लिए मिल जाएगी और बीच में जो है मैटी डिज़ाइन होने वाली है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्सी वाले ग्राफिक्स इसमें दिए हैं, मैटी डिज़ाइन है। राइडिंग टू सिटिंग का जो पोस्चर है वो हम गाड़ी पर बैठ के आपको दिखा देते हैं, तो काफ़ी बढ़िया बनता है सिटिंग टू राइडिंग का जो पोस्चर होता है। साथ में जब आप इसका मीटर देखेंगे तो देखो मीटर में भी आपको काफ़ी सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। डिजिटली और एनालॉगिक मीटर होने वाला है जिसमें आपको हैजर्ड लाइट, इंजन चेक, लो फ्यूल वार्निंग से लेकर इसमें आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन की मदद से काफ़ी सारे जो फंक्शंस हैं उनको आप सेट कर पाएंगे। एक बटन इसमें एक्स्ट्रा मिलता है जिससे अगर आप कोई एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाते हैं तो आपको अलग से किसी भी तरीके का जो बटन है उसको फिटिंग नहीं करवाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट स्लीपर क्लच का यूज़ किया है। साथ में हैंड गार्ड भी यहाँ पर लगे हुए हैं। बड़ा वाइजर होने वाला है। जो ओवरऑल डिज़ाइन है गाड़ी का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। 238 kg गाड़ी का कर्ब वेट होने वाला है। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, साथ में 840 mm की सीट हाइट है। तो अगर आपकी हाइट 5.8 के ऊपर है तभी आप इसे आसानी से चला पाएंगे। साथ में अच्छे लुक के साथ साथ अगर हम माइलेज की बात कर लें तो 25 kmpl तक का ये आपको माइलेज दे देगी। सिटी में माइलेज की बात कर लें तो 22 kmpl तक का इसका सिटी का माइलेज होने वाला है। साथियों यहाँ पर देखो TRK 502X की यहाँ पर बैचिंग होने वाली है। तो इसमें दो मॉडल आते हैं, TRK 502 और 502X। अगर आपको दोनों का कंपैरिजन देखना है तो आप आई बटन में जाकर दोनों का कंपैरिजन वीडियो देख सकते हैं। ऑन रोड कीमत की बात कर लें तो 7.5 लाख रुपए गाड़ी की ऑन रोड कीमत होने वाली है। एक पावरफुल इंजन है 500 cc में, एक प्रीमियम टूरिंग बाइक इसको हम कहते हैं। यहाँ पर देखो आपको चार्जिंग के सॉकेट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं और साथ में काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। पावरफुल बाइक है, बेनेली का ब्रांड है और भरोसा बेनेली का भी आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। तो वो चीज़ है साथियों यार, एक प्रीमियम टूरिंग बाइक की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती हैं यार, क्योंकि जो इसकी बिल्ट क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। साथ में काफ़ी सारी एक्सपेंसिव चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एक बार साउंड सुनवा देते हैं गाड़ी।
एक हैवी और मस्कुलर साउंड निकल कर आता है इस गाड़ी का जब आप इसका साउंड सुनेंगे तो। और इसमें आप अपनी मर्जी से भी एग्जॉस्ट लगवा सकते हैं और तो साउंड को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। खैर आपका क्या कहना है इस गाड़ी को लेकर मित्रों, क्या आपको ये गाड़ी पसंद है TRK 502X, या फिर आपको पसंद है इनकी मोटो मोरनी, या फिर आपको कोई और ही गाड़ी पसंद है मित्रों कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही यार, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।